ओके सो हाय गाइस, दिस इज गेमिंग प्रो ओशन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स वो आर एक्चुअली यू नो ट्राइंग एंड ट्राइंग अ लॉट. मैंने भी बहुत ट्राई किया है, काफ़ी कुछ यू नो जुगाड़ एंड ऑल करते हैं. तो इसके अंदर उन सब चीज़ों के ऊपर अपनी स्टोरी के थ्रू यूट्यूब के मैं प्रॉपरली आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा दैट हाउ यू कैन ग्रो ऑन यूट्यूब. मैं अभी उतना ग्रो नहीं हुआ कि मैं ये सब बता सकता, बट देर वर पीपल इन माई कमेंट सेक्शन हु आर आस्किंग मी टू एक्चुअली टेल मी दैट हाउ डिड दिस हैपन, एक महीने में 5,000 से 60,000 सब्सक्राइबर्स कैसे. तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे. सबसे पहली चीज़ तो एक बेसिक चीज़ बताऊँगा मैं, वो सब चीज़ें नहीं बताऊँगा कि आपको थंबनेल अट्रैक्टिव रखना चाहिए या फिर आपको बहुत अच्छे यू नो टैग्स डालने हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो सब हमें पता होता है जो YouTube पे जाना चाहता है, ये सब बेसिक चीज़ें पता होती है. मैं मेंटेलिटी के ऊपर फोकस करूँगा कि आपको मेंटेलिटी कैसी रखनी होती है YouTube पे, राइट. तो लेट्स एक्चुअली बिगिन. बट शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लेट्स एम फॉर 500 लाइक्स, बिकॉज आई होप कि आप लोग करवा दोगे एंड ये वीडियो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो कि YouTube शुरू करना चाहते हैं, जो भी YouTube के ऊपर काइंड ऑफ यू नो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद दोज पीपल. सो सबसे बेसिक चीज़ मैं स्टार्ट करता हूँ, थिंक ऑफ अ पेंसिल कंपनी. ठीक है, कोई कंपनी पेंसिल मैन्युफैक्चर करती है, नटराज हो गई, अप्सरा हो गई, कुछ भी पेंसिल्स मैन्युफैक्चर करती हैं. अब आपने पेंसिल कंपनी की एड्स देखी होंगी जिसपे वो पेंसिल पूरा दिखाते होते हैं. हाउ डू दे सेल देयर पेंसिल? दे ट्राई टू शो यू वॉट इज़ डिफरेंट इन देयर पेंसिल एज कम्पेयर टू अदर पीपल अदर कंपनीज पेंसिल. नटराज बोलती है कि हमारी पेंसिल एक्स्ट्रा डार्क है, कोई बोलती है हमारी पेंसिल नॉन ब्रेकेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो इस तरीके से शो करते हैं कि उनके सामान में क्या बढ़िया है. यही एग्जांपल मैंने खुद में लिया, मैं अपना चैनल शुरू करना चाहता हूँ, मेरे चैनल में क्या बढ़िया हो. ऑब्वियसली मेन आंसर आता है सब लोगों के माइंड में, कंटेंट बढ़िया होना चाहिए. ठीक है, कंटेंट हम रखते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मैं, हज़ारों लोग गेम खेल रहे हैं, गेम की वीडियोज़ डाल रहे हैं, मैं भी गेम की वीडियोज़ डालना चाहता हूँ, बट मैं कैसे अलग हो सकता हूँ वो चीज़ मैंने सोचनी थी. तो मैंने क्या किया, अब 99 देर आर हर दिन हर बंदा चिकन डिनर लेता ही लेता है. ठीक है, तो चिकन डिनर की वीडियोस हम लोग पोस्ट करते हैं कि हम जीत गए गेम में, उसकी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, बट हमारे उसमें क्या डिफरेंट हो सकता था उस चीज़ को हमने सामने लेके आना है. तो मैंने क्या किया, मैंने टीचिंग चैनल शुरू किया पबजी का, ऐसी चीज़ें पढ़ाना या समझाना जिसके अंदर लोगों को शायद दिक्कत हो सकती है. मेरे ख्याल से शायद कोई नई चीज़ आती है, कोई नया कंसेप्ट आता है तो उसको समझाना, बिकॉज देर आर पीपल जो कि गेम प्लेज, देर आर पीपल हु आर पुटिंग 21 किल गेम प्ले, 30 किल गेम प्ले, ओके पीपल आर वॉचिंग दम, देर आर पीपल जो कि अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं. गेम प्लेज का भी अपना एक अलग चीज़ है, बट मैंने अपना पर्सनली ये सोचा कि मैं गेम प्ले डालूंगा तो क्या पता कोई देखे कोई ना देखे. तो मैंने क्या किया, मैंने गेम प्ले को सिखाना शुरू किया कि कैसे मैंने ये चीज़ करी थी तो ये कैसे हुआ, मैंने वो चीज़ करी थी तो वो कैसे हुआ, वो चीज़ समझाना शुरू किया लोगों को. और वो समझाना एक्चुअली आप लोगों को पसंद आया, तो आप लोगों का सपोर्ट मिला. तो दिस इज़ व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू, आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कैसे आप डिफरेंट हो. यू आर, एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन देयर आइडियाज़ इन देयर क्रिएटिविटी. तो हाउ दैट क्रिएटिविटी, व्हाट इज़ दैट क्रिएटिविटी एंड व्हाट डज दैट क्रिएटिविटी मीन टू यू, वो आपको दिखाना पड़ेगा लोगों को. एंड ऑब्वियसली वो दिखाना काइंड ऑफ बहुत दिक्कत वाला काम हो सकता था, एंड मतलब करना आपको इसी तरीके से पड़ेगा. आप भी वीडियो डाल रहे हो, 99% पीपल भी वीडियो डाल रहे हैं, बट इट इज़ पता है यूट्यूब पे वीडियोस कौन सी चलती हैं जिसमें आप कुछ डिफरेंट करते हो, बिकॉज डिफरेंट इज़ व्हाट इज़ योर सुपर स्पेशल थिंग. हर बंदा सेम टॉपिक पे वीडियो डालता है, बट किसकी वीडियो चलती है जो उस टॉपिक को या तो इंटरेस्टिंग बनाए या डिफरेंट बनाए या फिर ऑब्वियसली उस पर कॉन्ट्रोवर्सी करे, दैट इज़ समथिंग एल्स. बट स्टिल आपको उस टॉपिक को समझाना है लोगों को हम्बलनेस के साथ, दैट इज़ द सेकेंड थिंग. हम्बलनेस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स. या देर आर पीपल हुल कम टू योर चैनल एंड दे विल बी लाइक कि नहीं भाई, आपने देखा होगा आपकी वीडियोज़ पे 100 लाइक्स हैं तो एक डिसलाइक भी होता है हर वीडियोज़ पे डिसलाइक्स वगैरह आते हैं. देर आर पीपल जिनको पसंद नहीं आता, कुछ लोग जस्ट मज़े के लिए डिसलाइक करते हैं, कुछ लोग जस्ट फॉर फन, या फिर कुछ लोगों को सच में नहीं अच्छा लगता वो चीज़. उस डिसलाइक को एम्ब्रेस करो, यू विल बी लाइक कि ठीक है. नीचे लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं भाई मुझे ये चीज़ इस वीडियो में ये चीज़ नहीं पसंद आई. ट्राई टू एनहेंस दैट थिंग. यू देर आर टू थिंग्स ऑफ एवरी थिंग. आप किसी को कुछ बोलते हो, यू विल बी लाइक येस बट इसको अच्छा कर सकते थे,
या फिर आप किसी को बोला येस एंड ये जो चीज़ आपने करी इसके ऊपर एक चीज़ और करना, तो येस बट वर्सेस येस एंड एक बहुत मेन फोकस का पॉइंट हो जाता है लोगों के बीच में. दैट इज़ हाउ शुड, मतलब आपके हेटर्स भी आते हैं कुछ भी. पहली चीज़ तो इफ़ यू आर डूइंग अ गुड वर्क हेटर्स नहीं आएंगे. अगर अच्छा काम करो तो हेटर्स नहीं आने चाहिए, बट अगर कोई फिर भी हेट करता हुआ आता है तो द पॉइंट इज स्माइल एट देम एंड लुक एट देम एंड से के थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. बिकॉज इफ देर आर पीपल आर हेटिंग यू तो मे बी दे आर जस्ट यू नो ट्राइंग टू एक्चुअली एम्ब्रेस द बेस्ट आउट ऑफ यू. जस्ट लुक एट इट दिस वे. रिस्पेक्ट इज द मेन की. यही चीज़ यहाँ से आती है. इफ देर आर हेटर्स एंड ऑल देन रिस्पेक्ट इज द मेन की. यू नीड टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन एंड ईच एंड एवरी पर्सनस थाट्स. बिकॉज हर बंदा एट दी एंड कुछ ना कुछ सिखा रहा है. वट एवर डिसीजन यू टेक इन लाइफ, आपने अपनी लाइफ में सीरियसली आपने कुछ भी किया बचपन से लेकर आज तक, दैट उस चीज़ के कारण एवरी डिसीजन दैट यू हैव टेकन इन लाइफ, एवरी कर्व, एवरी यू नो टर्न दैट यू हैव टेकन इन लाइफ, दैट हैज़ रिजल्टेड टू यू सिटिंग ऑन योर बेड एंड वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ. आपने जो भी डिसीजन लिए थे वो सब आपको अभी इस पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर लेकर आए हैं. छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डिसीजन. तो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सनस डिसीजन. बिकॉज इवन इफ दे आर वॉचिंग योर वीडियो दे हैव एन ओपिनियन ऑफ देम सेल्फ, और उस ओपिनियन का आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा. सो दिस इज हाउ यू शुड बी. बिकॉज पहले क्या होता था, देर वर टाइम्स जब मैं वीडियोज़ बनाता था दिन में एक वॉचिंग, दो वॉचिंग, एक व्यू, दो व्यू होते थे. बट छोड़ना नहीं है. देर आर पीपल, रेगुलर करो. मैं हर दिन में एक वीडियो डालने का ट्राई करता हूँ एंड रेगुलर करते रहो. जितनी आप रेगुलरिटी के साथ चलोगे ना उतने ज़्यादा लोग आपको एम्ब्रेस करेंगे दैट हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है. एक दिन में दो वीडियोस डालता था, एक दिन में तीन तीन वीडियोस भी डाल दिए हैं. तो मेहनत का अमाउंट आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो एंड आप कितना अपना 100% कितने अच्छे तरीके से दे पा रहे हो. और अगर आप दे पा रहे हो ना, लोग एम्ब्रेस करेंगे. एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक साल नहीं, दो साल नहीं, एक टाइम पर आकर पीपल एम्ब्रेस. बिकॉज एक बहुत बेसिक एग्जांपल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 12 से ज़्यादा साल लगे टू गेट हिज हैंड्स ऑन फिल्म इंडस्ट्री एंड राइट नाउ ही इज़ एट एन अमेजिंग पोजिशन वेयर ही इज़. द पॉइंट इज़ आपको बीच में रुकना नहीं है. देर विल बी टाइम्स जब आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा. देर विल बी टाइम्स, मेरी खुद की वीडियोज़ पर पहले एक व्यू होता था जो कि मेरा खुद का होता था. देर हैव बिन टाइम्स, बट आई मीन होते रहे ये सब चीज़ें. बट द पॉइंट इज़ आपको उन सब चीज़ों को अलग रख कर आपको अपने साइड से पूरी एफर्ट देनी पड़ेगी. नाउ देर विल बी पीपल लाइक कि भाई मैं इतने टाइम से एफर्ट दे रहा हूँ बट कुछ नहीं हो रहा. कुछ नहीं हो रहा और बहुत कुछ हो जाएगा. देर इज़ अ डिफरेंस. यू नीड टू हैव दैट मेंटेलिटी कि आज नहीं हो रहा तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, बट मेरे को अपनी साइड की एफर्ट्स देनी पड़ेंगी. बिकॉज देर आर थिंग्स दैट यू आर डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस सोसाइटी. यूट्यूब की सोसाइटी के लिए भी आप वीडियो डाल रहे हो. द पॉइंट इज़ के क्यों नहीं चल रहे, बिकॉज अभी उतना रिकॉग्निशन नहीं हो पाया या फिर उस टॉपिक को सेम को बहुत लोगों ने बना दिया था. यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि आप क्या डिफरेंट कर सकते हो, कुछ अच्छा, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, एंड यू विल एक्चुअली वन डे यू विल बी लाइक अमेज एट एन अमेजिंग पोजिशन. इंटरेस्ट मी, 1000 सब्सक्राइबर्स भी होना बहुत बड़ी बात है, 10,000 होना भी बहुत बड़ी बात है, 100 होना भी बहुत बड़ी बात है. सीरियसली, बिकॉज आप अपने घर के एक कोने में बैठकर वीडियोस बना रहे हो एंड 100 ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानते, बट स्टिल दे लाइक योर कंटेंट, जो कि अंदर से ना बहुत खुशी देता है. अब मेरे सामने अभी 60,000 पीपल, आई नो अ लॉट ऑफ देम बट आई डोंट नो मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज कभी इंटरेक्शन नहीं हो. कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं बट कमेंट्स नहीं करते. द पॉइंट इज दैट, बट स्टिल दे आर सपोर्टिंग मी इन अ पैसिव वे. दे आर देयर, आई डोंट नो बट दे आर देयर. दे डोंट नो मी, दैट वट डू सम ऑफ देम इवन डोंट नो वट डू आई लुक लाइक. सम ऑफ देम डोंट नो वट माई रियल नेम इज, इट सोशन शर्मा. बट स्टिल देर आर पीपल विल बी कन्फ्यूज कि गेमिंग प्रो ओशन है तो बंदे का रियल नाम क्या होगा. बट स्टिल दे आर सपोर्टिंग मी एंड वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सो गाइज, इफ़ यू इंजॉयड द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. 500 लाइक्स का हम लोग एम रखेंगे. सब्सक्राइब करना अगर आप लोग नए हो, बिकॉज 100,000 सब्सक्राइबर्स का हमारा गोल एंड सब्सक्राइबिंग इज़ फ्री. सो एंड शेयर करना, बिकॉज दिस वॉज काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल टॉपिक एज वेल, आपको लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है एंड आई होप कि आपको करे. सो बस हिम्मत मत आना, करते रहना एंड सीरियसली वन डे अगर कोई एक बंदा ये बोलता ना कि ये चीज़ गेमिंग प्रोफेशन ने बोली थी एंड मुझे ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगा, सीरियसली मुझसे ज़्यादा ब्लेस आदमी कोई नहीं होगा उस चीज़ के कारण. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो. पीस आउट गाइज़.